अगर बाय चांस अपन इन्ने इंपैसिस के नाल अपना काम नहीं चल रहा तो थले है मोर इंपैसिस इन क्लिक करवाओगे तो बहुत सारे दिख जाने अपन जिदा भी आप लगाना है अपना लगा सकते जिम्मे स्पिन में करते हैं इदा करता हूँ कुछ हो गया क्लिक करवा दो इदा करवा दो कुछ डाल के नहीं वेव करोगे तो कुछ इतना वेव करता है ना ठीक है उन्हें देखे जो देखोगे आवी कंटेंट्स अलग अलग चीजें लगा सकते हैं इन पे एनिमेशन लग गया आई थे देखो एक टाइटल आई थे भी कुछ लिखना है जो मैं लिखता सकूं ठीक है इन भी अगर लगाना तो इन भी आप लगा सकते हैं सिलेक्ट करो वाले इन भी जितना लगाना जो मैं कहता ये बाउंस करता हूँ यार ये बाउंस कर दो इन भी लगाना पिक्चर नो का पिक्चर नो भी लगा सकते हैं जिद्दा भी लगाना ठीक है तो मेरे को लगता आज जड़ा एंट्रेंस आते जड़ा इंपैसेज आओ चीज समझ आ गई है तो अगे आप एक्सिट की गल करते हैं एक्सिट का मतलब किद्दा जावे जी मैं बाउंस लगा दूं फिर तो बाउंस कर दूंगी गायब हो जाना ठीक है फिर इन्हें मैं सिलेक्ट करवा लिया क्लिक करवा लिया हो जाऊंगे तो और भी बहुत सारे पेज में फ्लाई आउट करता स्प्लिट कर दूंगी ठीक है थले जाऊंगी इदा स्वेल कर दूंगी जूम इन कर दूंगी ठीक है वाइप कर दूंगी नील कर दूंगी रैंडम बार्स या अगर ये नहीं पसंद आ रहा तो फिर मूड के जाऊंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन इदा दी हो जाएंगे जूम इन कर दूंगी करवा देंगे तो इतना नहीं होगा फिर आप इतने आ जाने इन्हों के भी आप सेम टू सेम इदा ही लगा सकते हैं कले कले जी चूज करके ठीक है क्लियर है अगर तुम चाहते हो इको जिहा एनीमेशन हरेक नू लगे तो फिर आप कंट्रोल बटन होल्ड करके सारे कंटेंट्स नू सिलेक्ट कर लेना तो इको जिहा लगा लेना ठीक है जिम्मे बाय चांस मैंने लगाना ही हुए तो मैं सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल बटन होल्ड करके आईनों भी सिलेक्ट करवा लिया ठीक है दोनों सिलेक्ट हो गए सिक के नाल आप लगाना हुए जिम्मे आप बाउंस में लगाता हूँ दोनों बाउंस कर दूंगा दोनों नाल ही आप लगा सकते हो ठीक है चौथी वाली फिर मैं चाहनी हाँ शेप पिक्चर में भी लगे इनू भी लगे जो थले लिखे इन्हों भी लगे तो सिक बटन होल्ड करो सिलेक्ट करवा लो सिलेक्ट लगा लो जिम्मे मैं एग्जिट वाला लगाना तो मैं मोर एग्जिट के लिए जाऊँगी इतों लग लो कि लगाना इदा के सारे गायब हो जाएंगे काउंट कर दूंगी क्लीयर है इन्नी गल हूँ जो आप एनीमेशन लगाने तो तुम देखो सारे नंबर लग जाएंगे फिर इतने आ जाने आप क्लिक करवा लिया तो आए चीज़ा समझ आ गई हूँ एक लास्ट ये रह गया ना जिन्हें आप कहने मोशन पाथ का मतलब होंगे ना भी हम पाथ आप बनावे या जिदा बनाया जिम्मे देखो लाइन ड्रॉ की मैं इन क्लिक करवा दें तो देखो इतनी लाइन आ गई हूँ ये जी लाइन लगी है ना इनू व्डा छोटा आप कर सकते हैं देखो एक एरो मिल जाती है हूँ ये एरो व्डा छोटा करना व्डा छोटा कर लेना व्डा कर लेना जो प्रिव्यू करोगे तो इन्हें उपरों लेके थले तक पूरा लगाना जिन्हें वे आप इनू लगाना वा सिलेक्ट करवा लो क्लिक करवा लो ये चलेगा वा देखो इदा लगाना राउंड देखो राउंड शेप चाहिए लूपिंग लगाना लूपिंग चाहिए ठीक है
अगर कस्टम करूंगी तो मैं आप ड्रॉ करूंगी, अगर मैं इन्हें क्लिक कर दिया ना तो एक पेंसिल टाइप डन हो जाएगा। देखो एक एरो मिलगी, उन्हें तो मैं आप इधर ड्रॉ कर दिया, आप ड्रॉ करके जब मैं डबल क्लिक कर दूंगी तो उदा ही हो जाएगा। इस चीज का यूज आप उठे करेंगे, जिसमें सपोज कर लो भी मैं कार्टून बारे कोई प्रेजेंटेशन बना रही, तो उठे मैनू कोई कार्टून की मूवमेंट करनी हो भी कार्टून की एंट्री किदा हो तो आप चीज़ का यूज कर सकते हैं, या तो उपरों आऊगा या तो फिर थलो या लैफ्ट राइट जिदा भी अपन करना हो करवा सकते। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਮੋਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟ, ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਪ੍ਰਿਲ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਵੱਡਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪ੍ਰਿਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਇਸਕੋ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਨ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। अगर मैं इन्हें क्लिक कर रही हूँ तो अपन दिखा देना भी इतने देखो एक ही एनिमेशन लगी हुई है। अगर बाय चांस मैं पहली स्लाइड पर आई हूँ, पहली स्लाइड से देखो कह रहे दो लगे हुए हैं, एक तो इन्हों लगे हुए हैं, एक इन्हों लगे हुए, ठीक है। हूँ अगर इतों भी प्ले करके देखना है तो प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। हूँ अपन पता जिमें आ पहला प्ले हुआ से उस तो बाद फिर आ प्ले हुआ से, मैं चाहनी हाँ इन्हों की चेंज करवानी है तो मैं इन्हों क्लिक करवा लूँगी, इतने आ बटन मिल जाएंगे। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਆਫਟਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ, ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਨ, ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਆਵੇ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੂੰਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਓਨਲੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੂੰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਿਲਿਆ,
ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। एनिमेशन पेंटर फिर दोबारा मैं ट्राई कर दी, अगर आ वाला मैं सिलेक्ट किया एनिमेशन पेंटर किया आई तो मैं क्लिक करवा ली, अगर आप कर ली आई तो ये भी आ रही है, इधर ये भी आ रही है। हुन जिहड़े कैरेक्टर वाला मैं एनिमेशन उत्थे अप्लाई कर रही सी, पता क्यों नहीं अप्लाई होया सी, क्योंकि जिहड़ा आ कैरेक्टर सीगा ना की कर रहा सी भी एक एक वर्ड नु अप डाउन कर रहा सी। हुण ये कोई कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो अपना एक शेप आ, एक पिक्चर आ, ये तो अप डाउन करनी नहीं हैगी। हुण अगर अप डाउन वाला मैनू अपलाई भी करना हुंदा, जिवें कंट्रोल जेड मैं करवा लैंदी, एक स्टेप बैक आ मैं करती हूँ, जिवें आह चीज़ मैनू इत्थे अप्लाई करनी है तो ईजीली हो जाती है। हुण अगर इहनू मैं सिलेक्ट करवाया, क्लिक करवाया, इत्थे अप्लाई कर दी, हुण देखो ईजीली हो गया। हुण इहते क्यों नहीं होया, क्योंकि आह कैरेक्टर नहीं हैगा, ना तो एक शेप अपनी, तो इत्थे तो अपलाई होना ही नहीं हैगा। क्लीयर आ गल, तो इस तरीके ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। बाकी जी इधर वाली ऑप्शन है तुम्हें मैं कल दसती सी भी, जिमें आ वाले चीज़ में मैनू कि चलाना वा, आफ्टर प्रीवियस चलाना, विद प्रीवियस प्रीवियस चलाना या क्लिक पर चलाना, ये अपनी मर्जी है। उस तो बाद इतों टाइमिंग दे सकते हो, सारे की टाइमिंग किदा दी आवे, ये भी कल मैं तुम्हें करके दिखाता सी, टाइमिंग आप लेट कर सकते हैं, है ना, जल्दी कर सकते हैं, स्पीड ना आवे या लेट आवे, जिमें इन मैं सिलेक्ट करवा के देख सकते हो। इस तरीके करवा सकते जिदा भी करवा, तो मैं लगता है एनीमेशन पता लग गया ना सारे, एनीमेशन का मतलब की है, ट्रांजिशन का भी मतलब पता लग गया। एक चीज हो, बाई चांस एनीमेशन खत्म करनी हो, मैं नहीं चाहिए तो इतने रखो, अगर सर क्लिक करवाओ, सब तो उपर नाम की कमांड मिल जाएगी, क्लिक करवा लूंगा, आप देखो इतने नंबरिंग हट गई, हम इतने जीरो लगे हुआ। हुण अगर मैं प्ले करती हाँ तो हम नहीं प्ले होनी, क्योंकि हम इतने लगी नहीं, ठीक है। इदा ही अगर आप ट्रांजिशन भी लगाने, जिम्मे सपोज आ ट्रांजिशन मैं आ लगाता ना, अगर मैं हटाना वा तो ना लगा दो, ठीक है, क्लीयर, ठीक है। तो फिर आप चल रहे हैं स्लाइड शो के, इन चीज़ा तो समझ आ गई ना कि आप इफेक्ट लगा सकते हैं। अगे आप स्लाइड शो के आ गए, स्लाइड शो के जी सब तो पहली कमांड हैगी है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग का मतलब हैगा भी जी आप एफ आई बटन क्लिक करके प्ले करते हैं ना, उदी ही ऑप्शन है। अगर आप एफ आई बटन क्लिक करते हैं तो अपनी प्रजेंटेन चल पी है, उदी ही ऑप्शन है, मैं क्लिक करवाऊंगी तो भी चल पा, क्लीयर आ। अगे हैगा करंट स्लाइड, ठीक है, करंट स्लाइड का मतलब मैं चाहनी हाँ जी मेरी प्रजेंटेन है ना हाँ इतों चलो दूजे नंबर तो चलो, तो कह दो फ्रॉम करंट स्लाइड तो दूजे नंबर तो चलो। अगे हैगा कस्टम शो, कस्टम शो का मतलब होंगे ना भी जिमें इतने देखो ये किन्नी स्लाइडा ने, 10 स्लाइड आ। सपोज मैनू विचाले विचाले कोई कोई स्लाइड चलानी है, जिमें पंजे नंबर वाले चलानी है, दूजे नंबर वाले चलानी है, पहले नंबर वाले चलानी है, तो आप करते हैं कस्टम स्लाइड शो करते हैं, जो क्लिक करवाऊंगे तो कहता कस्टम स्लाइड शो की ऑप्शन आती है, इन्हें क्लिक करवा लो, जो इन क्लिक करवाओगे तो यह कहता ऐड करवा लो, आदि इतनी न्यू की ऑप्शन है, फिर जो मैं इन क्लिक करवाऊंगी तो एक डायलॉगबॉक्स ओपन करके कहना इन्हें इतने ऐड कर लो जी, जोड़ा भी तुम्हें कस्टम करवाना। इतने देखो मैं 10 स्लाइडा देख लिया, जिमें आ पहले वाले मैं ऐड करवा लिया, आ लास्ट वाले मैं ऐड करवा लिया, आ जॉम्बी नाम के मैं ऐड करवा लिया, मैं ऐड करवा लिया, चार ऐड करवा लिया, उस तो बाद ओके करवा लिया। हम इतने देखोगे रिमूव की भी ऑप्शन है, एडिट की भी ऑप्शन है, कॉपी की भी ऑप्शन है, ठीक है। मैं क्या कर दी शो कर दी, तो अपन हम चार ही स्लाइडा देखूंगी, पहली स्लाइड आ गई, एंटर बटन क्लिक करूंगी तो लास्ट वाली आ गई, फिर क्लिक करूंगी दूजे नंबर वाली, फिर क्लिक करूंगी तो अगली आ गई, चार ही स्लाइडा अपन देखूंगी, उन्हें तीजे नंबर पर ही दिखा रहा है, चार स्लाइडा। तो इस तरीके आप कस्टम शो करवा सकते हैं। हम अगर बाई चांस कस्टम शो आ देखो बन गया अपना, हम अगर इन डिलीट करवाना तो
फिर जाओ कस्टम शॉट दे विच इन्हें डिलीट करवा लो, रिमूव करवा लो, फिर ऐड करवाना है तो फिर ऐड करवा सकते हो। एक तो बाद भी आप ऐड करवा के रख सकते हो। जिमें सपोज कर लो मैं एक प्रेजेंटेशन बनाई, वो अंदर सॉफ्टवेयर बारे भी सीगा हार्डवेयर बारे भी सीगा। हुण जिहड़ी सारी स्लाइडां सी ओह मिक्सअप सी, हार्डवेयर का कितने पिया सॉफ्टवेयर का कितने पिया, तो मैं की करूँगी कस्टम स्लाइड शो करवा लूँगी, हार्डवेयर का एक अलग बना लूँगी सॉफ्टवेयर का एक अलग बना लूँगी। हुण जिन्हों भी प्ले करना होवे उन्हों आपां सिलेक्ट करके शो की ऑप्शन लभांगे वो प्ले हो जाएगी। गल मेरी समझ रहे हो? क्लोज कर दो। अगे हैगा सैटअप स्लाइड शो। सैटअप स्लाइड शो का मतलब इन्हू क्लिक करवाओगे ना तो हले इतने देखोगे लिखा हुआ ऑल। जो आप प्रेजेंटेशन रन करते हैं तो ऑल प्रेजेंटेशन चलती है। सपोज कर लो मैं एक तो लेके पांच तक ही चलानी है, हले तक अपने देखिए आप विचाले विचाले चूज की है ना। हूँ अगर मैं एक सीकुएंस वाइज ही चलाना बट एक तो लेके पांच तक ही चलाना वा तो आप करेंगे फॉर्म क्लिक करवाएंगे इतने दस दो। मैं कहता एक तो लेके तीन तक ही चलो, ओके करवा लो। हूँ जो एफ आई दबोंगे तो तीन ही स्लाइडा आएंगी, पहली आ गई ठीक है, तीन ही स्लाइड ठीक है। तो अगर आप ऑल दी कमांड देवे तो फिर ऑल ही आ जाएगी। गल क्लीयर आ रही है? अगे हैगा ना हाइड हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब सपोज कर लो इन्हों कोई पार्टिकुलर स्लाइड मैंने चलानी नहीं है, जिमें आ मैंने तीजे नंबर वाली नहीं चलानी तो मैं हाइड कर दी, अगर कितने क्रॉस का निशान लग गया कि हाइड होगी। हूँ ये जो रन करूँगी तो फिर नहीं चलनी, जिमें आ नहीं चलानी, मैंने भी हाइड कर लिया, इन्हों भी हाइड कर लिया, इन्हों भी हाइड कर लिया ठीक है, इन्हों भी हाइड कर लिया ठीक है। इन्नी सारी मैं हाइड कर लिया, पहले नंबर वाली भी मैं हाइड कर ली, हूँ दूजे नंबर वाली चलूगी, उस तो बाद सत्तवें नंबर वाली, उस तो बाद अठवें नंबर वाली, उस तो बाद दसवें नंबर वाली। F5 बटन दबाँगे तो आप देखोगे हम पहली स्लाइड तो चली नहीं क्योंकि उन्होंने हाइड किया हुआ। एंटर बटन क्लिक करवाओगे दूजी स्लाइड तो चल रही है ठीक है। हूँ जिन्नी भी थले होर स्लाइड सी उन्हें ये ना ही ट्रांजिशन लगिया ना ही एनीमेशन लगिया, इदा ही नहीं ठीक है। इन्हों हटाना भी हुए तो आप हटा नहीं सकते, सिलेक्ट करवा ठीक है, जिदा लगा सकते हैं तो आप हटा नहीं सकते। अगे हैगा रिहर्स टाइमिंग ठीक है। हम रिहर्स टाइमिंग का मतलब है कि आपने टाइमिंग रिकॉर्ड करनी है ठीक है। हम टाइमिंग रिकॉर्ड करने लिए मैं की कर रही हूँ, पहला इतने ना घट स्लाइड कर दी, आह वाली स्लाइड मैं डिलीट करवा लिया, आह भी डिलीट करवा लिया, आह भी डिलीट करवा लिया, आह भी डिलीट करवा लिया। आप पांच ही स्लाइडा रख दी हैं तो उन्होंने वधिया जहाँ एनीमेशन आप लगाने ठीक है। जिम्मे पहली स्लाइड से इतने भी मैं एनीमेशन लगा लगी लगा दो, इतने तो लगी इतने भी लगा लगी इन्हें भी देख दी, इन्हें भी सारिया च लगी हुई है, इतने भी लगी हुई है, लगा देंगे। थर्ड नंबर पर भी आप एनीमेशन लगा देंगे। तो मैं एनीमेशन इसलिए लगा रही हूँ भी आप रिकॉर्डिंग कर लगे, रिकॉर्ड करिए तो वो कुछ चले ठीक है, कुछ रन हो गए बस। फिर अपने की करना स्लाइड शो पे आना, आदि कितने लिखा रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का मतलब होंगे टाइमिंग रिकॉर्ड करना। हाले तक तुम देखिए कि जो मैं प्रेजेंटेशन चला रही थी मैं एंटर बटन आप क्लिक कर रही थी तो प्रेजेंटेशन रन हो गई थी। हूँ की होगा मैं टाइमिंग रिकॉर्ड कर लूँगी, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन चलूंगी ठीक है। मैंने क्लिक करवा लिया, क्लिक करवाऊंगी हम देखो ऊपर टाइमिंग चल रही है। हूँ जिन्नी देर तक मैं आप प्रेजेंटेशन शो करना आप शो कर सकते हैं। हम एंटर बटन क्लिक करूँगी तो अगे मूवमेंट होगी, फिर एंटर बटन क्लिक करूंगी तो अगे, फिर एंटर बटन। जिन्नी देर तक आप दिखाना है स्लाइड आप दिखा सकते हैं, ऊपर टाइमिंग रिकॉर्ड हो रही है।
ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 13 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ 8, 16, ਇਹਨੂੰ 6, ਇਹਨੂੰ 7। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਸਟ ਮੈਂ F5 ਬਟਨ ਦੱਬੂੰਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨੇ ਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ, ਫੀਚਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਰਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਰਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਾ, ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਰਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨੋਟਸ ਪੇਜ। ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਨੋਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਦਿਖੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਰਵੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PPT ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੇਜ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟਸ ਪੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਰਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਓ, ਨੋਟਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ, ਉਹੀ F5 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣਾ, F5 ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਲਈ ਹਾਂ।
मैं सारे दे विच कुछ ना कुछ लिख दिनी हूँ, जिवें आह पहली स्लाइड ते आ गई, मैं पहली स्लाइड दे विच इत्थे ना कुछ लिखता, आ दूजी वाली स्लाइड दे विच भी कुछ ना कुछ लिखता, इत्थे भी कुछ ना कुछ लिखता है। वाली स्लाइड दे विच भी मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूँ, इत्थे भी कुछ ना कुछ लिख रही हूँ, इत्थे भी कुछ ना कुछ लिख रही हूँ, इत्थे भी मैं कुछ ना कुछ लिख रही हूँ। मैं क्यों लिख रही हूँ तुहानू थोड़ी देर से समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं हरेक चार स्लाइडा लीती, हरेक स्लाइड का देखोगे मैं जिहड़ा लेआउट लिता वह अलग अलग होता है ना, तो हरेक स्लाइड के देखोगे जेडे टैक्सट के कलर आ या हैडिंग के कलर आ ब्लैक ही आ। ठीक है, हम सपोज कर लो मैं मैनू एक प्रेजेंटेशन बनानी सी, मैनू जल्दी सी बना, मेरे को इन्ना टाइम नहीं सीगा भी मैं हरेक स्लाइड के जाके हरेक की हैडिंग फॉरमैटिंग करा, फिर हरेक के कंटेंट्स फॉरमैटिंग करा, तो मैं उत्थे की कर सकती हूँ स्लाइड शॉर्टर का स्लाइड मास्टर का यूज कर सकती हूँ। स्लाइड मास्टर का यूज करन नाल की हुंदा भी आपां स्लाइड मास्टर ते जाके ओनली एक बार हैडिंग नूं कलर दिंदे आ, जो हैडिंग नूं आपां कलर दिंदे आ अपनी स्लाइड दे हर एक स्लाइड दे विच ओही कलर चल पैंदा, ते जो आपां कंटेंट्स नूं कलर दिंदे आ ओही सारे कंटेंट्स नूं हो जांदे आ। गल समझ आ रही है? मतलब अगर मैं इत्थों मैनूं कलर चेंज करवाना होवे हर एक स्लाइड दा, तां कल्ले कल्ले जाके चेंज करवाना पऊगा। हुण अगर 10 स्लाइडां होण तां कल्ले कल्ले जाके बहुत टाइम लग जाणा वा, टाइम वेस्टिंग काम आ। तो फिर आप की करवा सकते हैं, व्यू दे विच जाओ, आ हैगा ना स्लाइड मास्टर, इनू क्लिक करवा दो। जदों इनू क्लिक करवाओगे ना, तो हर एक टाइप का तुहानू आ देखो इत्थे स्लाइड बना के दिखाऊंगा। हुण मैं पहले स्लाइड ते आ गई, आ जिहड़ा लिखिया होया मैं कलर चेंज करन लगी हाँ, मैं होम दे विच जाके दा कलर चेंज करवा लगी हाँ। देखो रैड करता, देखो इत्थे रैड किया ऑटोमैटिक थले भी रैड हो गया। ठीक है, मैं इहदा भी कलर रैड कर लैनी हाँ या कुछ होर कर लैनी हाँ, आ सपोज कर लिया यदा भी कलर आप कुछ होर रख लें, रख लिया। ठीक है, इन्हों का भी कलर सपोज मैं कुछ होर रख दिनी हाँ, रख लिया। ठीक है, इदा मैं ये गई, यदा भी कलर कुछ होर रख दिन, देखोगे मैं एक का कलर चेंज किया ऑटोमेटिक सारे का हो गया। जो मैं व्यू के अंदर जाके नॉर्मल कर दी हूँ, देखो सारे का कलर, हम मैं तो उत्थे किया ना स्लाइड इतने, देखो यदा भी टाइटल रैड हो गया, यदा भी टाइटल रैड हो गया, यदा भी टाइटल रैड हो गया, थले भी जो टाइटल है वह भी रैड हो गया। तो स्लाइड मास्टर का इस तरीके आप यूज कर सकते। ठीक है, की यूज आ, यूज यही आ भी सपोज कर लो मैनू एक प्रजेंटेशन बनानी है, मैंने काली आ, मैंने जल्दी जल्दी से प्रजेंटेशन बनानी, हूँ वे मैं जल्दी जल्दी स्लाइडा ले लिया, हैडिंग भी पा ली, बट हैडिंग का कलर चेंज कर मैं फॉरमैटिंग करने का मौका नहीं मिला, तो मैं की करूँगी स्लाइड मास्टर के जाऊँगी, एक बार हैडिंग का कलर कर दूंगी, एक हैडिंग का कलर करूँगी तो हरेक हैडिंग ऑटोमैटिक हो जाना, एक कंटेंट्स में करूँगी तो होर सारे कंटेंट्स में ऑटोमैटिक हो जाना। कोई पैर मार रहा, पता लग गया स्लाइड मास्टर का? ठीक है, आ वाली कमांड का मतलब पता लग गया स्लाइड मास्टर का की काम है। अगे हैगा ना हैंड आउट मास्टर, हैंड आउट मास्टर नाल की हुंदा है, ये अपन दिखा देंदा भी अगर तुसी सारी स्लाइड का एक पेज दे विच प्रिंट चाहते हो तो कुछ इस तरीके नाल दिखन वाला, अगर अपन दो पेज का चाहिए तो दो पेज का करवा के देख सकते हो, 3 पेज का, 4 पेज का, इदा आप इतों देख सकते हैं। ठीक है, व्यू करवा सकते हैं। अगे हैगा नोट्स मास्टर, नोट्स मास्टर का मतलब हुंदा जिहड़ा आपां ने कलर डिफाइन किया हुआ ना, किस लिए किया हो, सोच के किया हो, बारे भी आप इतने नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, भी तुसी हैडिंग नू क्यों रैड कलर दिता, वाय रैड कलर देने का की परपज है, तुसी कंटेंट्स नू कोई होर कलर क्यों दिता, तो वो बारे भी नोट्स लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो छड्ड सकते हो। ठीक है, फिर भी वो आ गए तो इन्हीं चीज़ा समझ आ गई सारियां नू। ठीक है, फिर आप अपनी पुरानी वाली स्लाइड पर आ जाने, आए व्यू आज नॉर्मल, अगे तो हम व्यू दे विच रूलर बार देखना कि नहीं देखना, ग्रिड लाइन दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए, गार्स दिखन कि ना दिखन। ठीक है, जूमिंग किन्नी की करनी है, जिम्मे मैं कहती 400% रखनी है, 400% जूमिंग करती,
टू विंडो करनी है, एक के बाद से फिट टू विंडो हो जानी है। ठीक है, इतने देखूंगे तो सारा कलरफुल दिख रही है, मैं ग्रे स्केल कर दूंगी तो ब्लैक एंड व्हाइट से दिखने लग रहा है, फिर बैक टू कलर कर दूंगी, फिर व्यू के बीच अगे ब्लैक एंड व्हाइट दिखना है तो ब्लैक एंड व्हाइट से दिखने लग रहा है। डिजाइनिंग स्लाइड को सिलेक्टेड करता है तो डिजाइन आ करता है, ले भी स्लाइड ना होगी। आगे हम दोनों को अरेंज करके देखना है, अरेंज कर दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, आगे है कि कैस्केड करके देखना है, तो कैस्केड का मतलब होता है आगे पीछे, एक के पीछे एक। ठीक है, फिर बड़ा कर लो। ठीक है, आगे हैगा स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब जिन्हें आप हले एग्जाम्पल वन पीपीटी टू के मैंने वन के जाना क्लिक करने वाला वन फिर टू के जाना टू के आ गए कहने का मतलब विंडो को स्विच करने लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिमें कंट्रोल एन तो मैं एक न्यू होर प्रजेंटेन ओपन करवा ली, देखो थे तीन ओपन हो गए, हम मैंने स्विच करना हो तो आप व्यू के जावे क्लिक करवाऊंगे देखो पूछेगा हले आप प्रजेंटेन टू के मैंने सपोज प्रजेंटे एग्जाम्पल वन के जाना एग्जाम्पल वन के आ गया। ठीक है, अगे तो माइक्रो का यूज मैं दस ही गया वर्ड के आप माइक्रो का किदा यूज कर सकते ये भी अगर कितने कोई काम बार बार रिपीट करने की लड़ पै रही है तो फिर आप माइक्रो का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके अपनी जो पावर पॉइंट की क्लास है वो फिनिश होगी। ठीक है, पावर पॉइंट।